वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हमने चैप्टर 4 में यहाँ पे एंड किया था, अब हम नेक्स्ट पेज से कंटिन्यू करेंगे। द ब्रेव ऑक्टोपस। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ शाई एंड क्वाइट ऑक्टोपस। एक बार एक शर्मीला और शांत ऑक्टोपस था। ही ऑलवेज यूज टू स्टे अलोन। वह हमेशा अकेले रहना चाहता था। ऑल्थो ही वॉन्टेड टू हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स। वह बहुत सारे दोस्त भी चाहता था। येट ही वॉज टू सेल्फ कंसियस टू हैव एनी। लेकिन मगर वह बहुत ज़्यादा संकोच में था किसी को फ्रेंड बनाने में। वन डे एक दिन द ऑक्टोपस वॉज ट्राइंग टू कैच अ वेरी स्लिपरी ऑयस्टर। ऑक्टोपस फिसलने वाली छोटे छोटे मछलियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। बिफोर ही न्यू इट, इससे पहले कि वह जानता था, ही हैड टाइड हिमसेल्फ इनटू वन मैसिव नॉट एंड ही कुड नॉट मूव। कि वह एक विशाल गांठ में बंध गया है और वह अब घूम नहीं सकता है। ही ट्राइड विद ऑल हिज स्ट्रेंथ टू गेट हिमसेल्फ फ्री। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी अपने आप को मुक्त करने में। बट इट डिड नॉट वर्क आउट। लेकिन वह उसका काम नहीं हुआ। इन द एंड, अंत में ही फेल्ट एम्बेसमेंट एट बीइंग सीन इन सच अ टैंगल। अंत में वह अपने आप को इस टैंगल में देखकर, इतनी गांठ में देखकर उसे घबराहट महसूस होने लगी। ही थॉट ऑफ आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द पासिंग फिशेस। उसने पास से गुजर रही मछलियों से मदद लेने की सोची। मैनी फिशेस स्वाम पास्ट इग्नोरिंग हिम। बहुत सारी मछलियाँ जल्दी से तैरकर चली जाती उसे इग्नोर करके। बट अ वेरी काइंड लिटिल फिश ऑफर्ड टू हेल्प टू अनटाई ऑल दोज टेंटेकल्स फ्रॉम ऑल दोज सकर्स। लेकिन एक बहुत ही दयालु मछली ने उसके सारे टेंटेकल्स को उन सभी सकर्स से खोलने में उसकी मदद की। द ऑक्टोपस फेल्ट हार्टली रिलीव्ड व्हेन ही वॉज फाइनली सेट फ्री। ऑक्टोपस को दिल से बहुत ही अच्छा महसूस हुआ जब वह पूरी तरीके से मुक्त हो गया। बट ही वॉज सो साई दैट ही डिड नॉट डेयर टॉक टू द फिश एंड मेक फ्रेंड्स विद हर। लेकिन वह बहुत शर्मीला था इसकी वह मछली से बात करने की और उससे दोस्ती करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। ही सिंपली थैंक द फिश। उसने साधारण रूप से मछली का धन्यवाद किया एंड क्विकली स्वाम ऑफ और शांति से वहाँ से तैरता हुआ चला गया। लेटर द ऑक्टोपस स्पेंट द होल नाइट थिंकिंग दैट ही हैड वेस्टेड अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू मेक फ्रेंड्स विद दैट वेरी काइंड लिटिल फिश। बाद में ऑक्टोपस ने अपनी पूरी रात यह सोचकर गुजार दी कि उसने एक बहुत ही महान मौका, एक बहुत ही बड़ा मौका गवा दिया है उस दयालु मछली से दोस्ती करने का। ए कपल ऑफ डेज लेटर, दो दिन बाद, द ऑक्टोपस वॉज रेस्टिंग बिटवीन सम रॉक्स। ऑक्टोपस कुछ चट्टानों के बीच में आराम कर रहा था। वेन ही नोटिस्ड दैट, तब उसने नोटिस किया कि एवरी वन अराउंड वॉज हरीली स्विमिंग फास्ट। कि उसके चारों ओर सभी लोग जल्दी जल्दी तैरते हुए जा रहे हैं। He looked at a distance, उसने एक दूरी से देखा
एंड सॉ और देखा एन एनमरस फिश एनॉर्मस फिश कमिंग ओवर टू फीड इन द एरिया, कि एक बहुत विशाल मछली खाना भोजन के लिए उस एरिया में आ रही है। द ऑक्टोपस क्विकली हाइड हिमसेल्फ, ऑक्टोपस ने जल्दी से अपने आप को छुपा लिया। देन पीपिंग एन आई आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, और अपने छिपे हुए स्थान से एक आंख निकालकर झांका। ही सॉ दैट, उसने देखा कि द हग फिश वॉज चासिंग द काइंड लिटिल फिश हु हैड अनटाइड हिम, कि वो विशाल मछली उस दयालु छोटी मछली का पीछा कर रही है जिसने उसे खोला था। दैट लिटिल फिश रियली नीडेड अर्जेंट हेल्प, उस छोटी मछली को वास्तव में मदद की आवश्यकता थी। बट द बिग फिश वॉज सो डेंजरस लुकिंग, लेकिन वो विशाल मछली बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रही थी। दैट नो वन डेयर्ड गो नियर, कोई भी उसके पास जाने का साहस नहीं कर रहा। द ऑक्टोपस रिमेम्बरिंग हाउ द लिटिल फिश हैड हेल्प्ड हिम, ऑक्टोपस ने याद किया कि किस तरह उस छोटी मछली ने उसकी मदद की थी। फेल्ट दैट ही शुड डू व्हाटएवर ही कुड टू हेल्प हर, उसने महसूस किया कि उसे कुछ भी करना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। विदाउट हेसिटेटिंग, बिना किसी संकोच के, द ऑक्टोपस केम आउट फ्रॉम द रॉक लाइक अ रे, ऑक्टोपस एक रे की तरह उस चट्टान से बाहर आया। ही पुट हिमसेल्फ राइट इन द पाथ ऑफ द गैंड फिश, और उसने अपने आप को उस मछली के सही रास्ते पर अपने आप को रख दिया। एंड बिफोर द फिश कुड डू एनीथिंग अबाउट इट, और इससे पहले कि मछली कुछ इसके बारे में करती, द ऑक्टोपस शॉट आउट स्ट्रॉन्ग जेट ऑफ इंक, ऑक्टोपस ने इंक की एक मजबूत धारा उस पर मारी। ही ग्रैब्ड द लिटिल फिश, उसने छोटी मछली को पकड़ा। एंड स्वाम ऑफ बैक टू हाइड इन द रॉक, और उस चट्टान के पीछे वापस जाकर छिप गया। एवरीथिंग हैपेंड सो फास्ट, सब कुछ इतनी जल्दी हुआ दैट कि द बिग फिश हैड नो टाइम टू रिएक्ट, कि बड़ी मछली पर कुछ भी करने के लिए समय नहीं था। हाउएवर ही सून रिकवर्ड फ्रॉम द सरप्राइज, किसी तरह उसने अपने आप को इस आश्चर्य से संभाला। ही वेंट ऑफ टू द रॉक, वह उस चट्टान के पीछे गई। लुकिंग बट फॉर द ऑक्टोपस एंड द लिटिल फिश, और ऑक्टोपस और लिटिल फिश को देखने। ही वॉज वेरी एंग्री, वह बहुत गुस्से में थी। एंड नाउ ही रियली वॉन्टेड टू ईट देम अलाइव, और वह वास्तव में उन्हें जिंदा ही खाना चाहती थी। सून जल्द ही द गैंड फिश वैगन फीलिंग अ टेरिबल ईच इन हर गिल्स, उस गैंड फिश को एक बहुत ही भयानक दर्द अपने गिल्स में फील होना शुरू हुआ। एंड देन इन हर फाइंस, और फिर उसके फाइंस में, एंड देन ऑल ओवर हर बॉडी, और फिर उसकी पूरे शरीर में। इट टर्न्ड आउट दैट द गैंड फिश हैड अ वेरी आर्टिस्टिक नेचर, ऐसा हुआ कि उस मछली का जो नेचर था, उसकी प्रकृति एक कलात्मक, बहुत कलात्मक प्रकृति की थी। सी एडोर्ड कलर, वह
रंगों से प्यार करती थी एंड ऑक्टोपस डार्क इंक हैड गिवन हिम अ टेरिबल एलर्जी, और ऑक्टोपस की गहरी इंक ने उसे बहुत ही भयानक एलर्जी दी. सो द बिग फिश स्वाम अवे, इसलिए विशाल मछली तैरती हुई चली गई. इरिटेड ऑल ओवर, अपनी पूरे में इरिटेट होती हुई. एज सून एज, जल्द ही शी हैड गोन, वह चली गई. ऑल द फिश हु हैड बीन हाइडिंग केम एंड कॉन्ग्रेचुलेटेड द ऑक्टोपस फॉर बीइंग सो ब्रेव. सभी मछलियाँ जिन्होंने अपने आप को छिपा रखा था वे बाहर आईं और ऑक्टोपस को उसकी बहादुरी के लिए कॉन्ग्रेचुलेट किया. वन शुड ऑलवेज यूज प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड हेल्प अदर्स इन नीड. सभी को हमेशा अपनी सोच समझ का इस्तेमाल करना करके अन्य की मदद करनी चाहिए जिसको आवश्यकता है.